नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा से आप देख रहे हैं। आज किसानों ने 3 घंटे के लिए टोल के को फ्री करने का आह्वान जो है किया है। आज 3 घंटे के लिए यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पानीपत का टोल फ्री रहेगा। हरियाणा में जितने भी टोल जो हैं वो फ्री रहेंगे। इसके लिए खास तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन ने भी कर रखी हैं, कोई अनहोनी ना हो, और साथ ही पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद हैं। टोल प्लाजा से आपको सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को शेयर जरूर करें। और दूसरा, आज भारत बंद का ऐलान जो है किसानों ने किया है, उसका कितना असर है वो भी आपको बताते हैं। और एक बार आपसे फिर से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक अहम खबर जो है हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में टोल जो हैं फ्री रहेंगे। किसानों की केंद्र सरकार के साथ कल रात को जो फाइनल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बारे में भी आपको बता दें, उस मीटिंग का भी कोई खास नतीजा जो है नहीं निकला। और रविवार को फिर से ये मीटिंग जो है दोबारा हो सकती है। MSP की गारंटी को लेकर किसान लगातार जो है शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पंजाब में 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई हैं, और हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो हैं बंद की गई। 17 तारीख तक ये इंटरनेट सेवाएं बंद करने का जो है आह्वान कर दिया गया है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है किसान संगठन पहुँचेंगे और टोल प्लाजा को जो है बिल्कुल फ्री करवाएंगे। पानीपत में जो है आज टोल जो है फ्री रहने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो पंजाब के भगवंत मान हैं, वो भी लगातार किसानों के पक्ष की जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात चर्चा हुई है, 7 बजे से ये बैठक चली और 1:30 बजे जो है बैठक चलती रही, लेकिन कोई खास जो है जो बातचीत नहीं हो पाई। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आज छात्रों के एग्ज़ाम होने थे उसको भी जो है कहीं ना कहीं स्थगित किया गया है। और अब एक बार फिर से जो है दोबारा रविवार को जो है वार्ता ये होनी है। इसी को लेकर जो है अब टोल प्लाजा, क्योंकि किसान जो है भड़के हुए, किसानों का ये कहना है कि सरकार जो है नहीं चाहती कि उन्हें जो है MSP की गारंटी दें। हालांकि सरकार ये कह रही है कि एक मीटिंग बिठाने के बाद जो है फिर से जो है फैसला लिया जाए। अब देखते हैं कि रविवार को क्या होगा। और दूसरी बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि अब क्योंकि पहले पंजाब ने आंदोलन शुरू किया था, अब हरियाणा के जो किसान हैं, हरियाणा के जो संगठन हैं, वो धीरे धीरे जो है इसमें कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। चढ़ूनी ग्रुप ने कल फैसला लिया था, एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि 3 घंटे के लिए वो ट्रायल करेंगे टोल को फ्री करने का। और जिसको आज लगभग जो है 11:10 हुए हैं, 12 बजे जो है ये पानीपत का ये टोल जो है फ्री कर दिया जाएगा और 3 बजे तक ये जो है टोल फ्री होगा। आप देख सकते हैं पीछे एम्बुलेंस खड़ी है और अगली साइड जो है SHO थाना जो है 13-17 उसकी जो है गाड़ी वहां पर खड़ी है और पुलिस प्रशासन जो है मौके पर है। और भारत बंद के लिए आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो है आवाजाही चल रही है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में ज़रूरी सूचना है कि किसी प्रकार का कोई भी भारत बंद नहीं, आप निकल सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सड़कों पर भी जो है वाहन आप देख सकते हैं बड़े आराम से जो है चल रहे हैं। तो आपको फिर से बता दें कि आज भारत बंद का ऐलान था, 3 घंटे के लिए जो है ये टोल जो है फ्री कर दिया जाएगा। आप वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करो, इससे संबंधित जो भी बड़ी खबर जो है आपको दोबारा हम लोग लाइव होकर बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको यही बता दें कि आज भारत बंद के चलते सब कुछ जो है पीसफुल चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, आराम से जो है चंडीगढ़ की तरफ आपको जाना है तो शाहबाद होते हुए जो है आप चंडीगढ़ जा सकते हैं। जैसे कि एडवाइजरी जारी की गई थी उस हिसाब से ही जो है आप जा सकते हैं, घरों से निकल सकते हैं। ज़रूरी हो तो आप सफ़र करिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप घरों में रहिए, क्योंकि आज 3 घंटे के लिए कॉल कीजिए है टोल प्लाजा फ्री होने की। आप जुड़े रहे वासो पानीपत के साथ। नमस्कार।